हेलो गाइस, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि मुझे दिल्ली जाना था, मैं बिल्कुल रेडी हो गया हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए और अब आगे का जो भी होगा अब आप देखते रहो क्या क्या होने वाला है आज। ठीक है, तो अभी मैं निकलता हूँ, पहले देखता हूँ यहाँ से बस अड्डे पहुँचूँगा कैसे, पहले तो यही देखना है। वैसे मैंने एक अंकल जी है यहाँ पे, उनको बोल रखा है, पर अभी देखता हूँ कि अभी यहाँ से ऑटो वगैरह मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, पहले उसको चेक करते हैं, बस अड्डे पहुँचते हैं फिर वहाँ पर गाड़ी देखता हूँ कि लगी हुई होगी नहीं होगी, क्योंकि जो मेरे एक साथ का लड़का है वो लखनऊ से आ रहा है ना, और वो पहुँचने वाला है और मैं अब तक अपने घर से ही नहीं निकला, तो कोई नहीं, चलो मैं निकलता हूँ और देखते हैं क्या क्या होता है आज। बाय कर रहे हैं, वो पहुंचने वाला है। चलो फिर बाय, मिलते हैं, बंद कर लो। तो भैया निकल चुके हैं अपने सफर पर, कितना सुनसान हो रखा, बिल्कुल मोर की और कुत्तों की आवाज आ रही बस, बट टेम्पो मिल जाए, देखते हैं। भैया पहुंच चुके हैं अपने स्टैंड पर कुंभी चौड़ चौक और पूरा सुनसान हो रहा, ये देखो अब देखते हैं कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा, आ जाए बस जल्दी, क्योंकि यार उसको भी वेट करना पड़ेगा जो मेरे साथ का लड़का है ना लखनऊ सारा, उसे बहुत देर वेट करना पड़ेगा नहीं तो मेरा, देखते हैं। तो गाइस पहुंच गए हैं हम यहाँ पर दिल्ली, सारे कपड़े उतर गए, जैकेट स्वेटर सब उतर गए, इतनी गर्मी हो रही, और अभी हमारे साथ मिले हैं हमें क्या बेटा, हेलो 6 घंटे इसने वेट करवाया है, 6 घंटे 5:30 बजे पहुंच गया था बस अड्डे, और अभी टाइम हो रहा है 2:30, बता दें यार बहुत ही टाइम लग गया, 7 घंटे वेट कराया तुमने, 7 घंटे पहुंच जाए, कभी भैया उतरते ही साथ पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा, तो पहले पेट पूजा कर, तो ये चल रहे हैं हम गुलमोहर, मैं गोलमोल बोल रहा हूँ उस जगह को, गुलमोहर नाम है गुलमोहर, तो वहां जा रहे हैं। हम आ गए मॉल में मास्क लगा के, हाँ मास्क उतार नहीं सकते, मास्क पहने वहने घूमना है आपको, हाँ तो अभी हम घूम रहे हैं थोड़ा सा, जो हमारा काम था वो हो गया है, हाँ जी अब बताओ, अब हम प्रॉपर फ्री हो गए, अभी थोड़ा सा टाइम पास करने आए हैं और शाम को अभी हमें एक मैरिज फंक्शन अटेंड करना है हम दोनों को, क्योंकि हमारी एक फ्रेंड है उनकी सिस्टर की शादी है, तो अभी हम वहाँ जाएंगे और जिस काम के लिए हम आए थे वो काम हमारा निपट गया, और बता बस थोड़ा टाइम स्पेंड करना था तो सोचा कि चलो ठीक है मॉल ही टहल लेते हैं, हाँ बस अभी देखते हैं क्या प्लान बनता है, मूवी का प्लान बन रहा है, अगर मूवी देखते हैं, अभी बज रहे हैं 4 और हमें जाना का टाइम बोला उन्होंने 4:15 बजे टिकट है, 4:15 बजे आप चाहो तो दे सकते हैं, देखते हैं बने रहो बस, ऐसी ऐसी देखते रहो बस, लाइक कर दो यहीं से, अब 2 दिन दिल्ली के ब्लॉग आने। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती है ना, हर मॉल में ना सबसे टॉप फ्लोर पे PVR क्यों होता है, अरे सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई थी, चलो। तो गाइज हम लोग हो गए हैं बिल्कुल रेडी, अभी शादी में निकल रहे हैं अरविंद के यहाँ, मतलब आपको मैंने बताया नहीं था कि मैं किसके यहाँ जा रहा हूँ, मेरा दोस्त है अरविंद, ठीक है, अभी उसकी सिस्टर की शादी है तो अभी सीधा उसके यहाँ जा रहे हैं, और अतुल और मैं दोनों सेम ड्रेस, बिल्कुल सेम ड्रेस हो गई, ऐसा लग रहा है हम किसी होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट से अभी छुट्टी हो गए निकले हैं, और हमारे जो भैया आज के कैब ड्राइवर हैं वो हैं अनिल कुमार, ठीक है अब देखते हैं। भाई इतनी सर्च करी हमने कैब, पहले 450 फिर 350 फिर 250
फिर बड़ी मुश्किल से हमें 150 रुपए में बुक हुई है वाली कैब यहाँ पे, 150 में हुई ना, 150 रुपए में बुक हुई। तो बार बार सर्च करने पे सस्ती चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। और गाड़ी भी इनकी बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। तो अभी शादी में चलते हैं और वहाँ देखते हैं क्या अरेंजमेंट हो रखा है। एक्चुअली मेरे साथ अभी एक इंसिडेंट हुआ कि हम लोग अभी मूवी देख रहे थे गंगूबाई, तो कल का व्लॉग जो आप देखा है आपने, तो क्या है वो मैंने 1 बजे तक एडिट करा, फिर उसके बाद मैं 2-2.5 बजे सोया हूँ। 4 बजे अब ये जो आप व्लॉग दे रहे होंगे, मैंने इसमें टाइमिंग भी दिखाई है मैं कितने बजे उठाऊँ, तो मैं 4 बजे उठ गया और अभी मैं मूवी देखते देखते ना सो गया। मेरे को इतना मजा आ रहा था वहाँ पे, एसी चल रहा है, तो यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। हमारे भैया उत्तराखंड बेस्ट है। एक नींद तो हमने पावर नैप जिसे बोलते ना वो हमने ले लिया है। 8 बज गए और जाम देखो, 8 बजे हमारे कोर्ट द्वार ना बिल्कुल सुन्न हो जाता। तो गाइस ये है वो अरविंद जिसकी बहन की शादी में हम आए थे और उसकी लड़की भी हुई है, सारे कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशन कर दो। भी बहुत तेज चल रही। हाँ तो गाइस हम पहुंच गए दीपक भाई के घर पर और टाइम हो गया है 12 और अब आपसे मैं मिलता हूँ कल के ब्लॉग में। ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि हालत हो गई हमारी अब बिल्कुल पस, थक गए बहुत ज्यादा। कैब और बयान नहीं कर सकते दिल्ली की ट्रैफिक। तो अब आपसे कल मिलते हैं और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और सारे के सारे लाइक कर दें और आपसे कल मिलते हैं। बाय बाय।